देखिए आरा में वोटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त हम आरा टाउन में एक मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पे कुल 4 बूथ हैं, कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम लोगों से ही बात करेंगे, आप लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? देखिए पहली चीज़ तो ये, आपके चैनल से जो भी हम आरावासी लोगों को देख रहे हैं, सबको हम लोग का प्यार भरा नमस्कार है। आज जो है हम लोग के यहाँ चुनाव है और आज हम लोग वोट करने के लिए आए हैं। आरा में जो है चहुमुखी विकास हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और विकास सिर्फ कोई जाति के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होता है। आरा में पहले बहुत सारे ट्रेनों का परिचालन नहीं था, जो कि अब चालू हो गया। आरा से पटना जाने में अब आधे घंटे के अंदर दो दो तीन तीन ट्रेनें आपको मिल जाती हैं। रोड इतना बढ़िया बेहतर हो गया कि गांव देहात की जो भी महिलाएं हैं वो अब कोई भी रोग व्याध कोई भी चीज़ें हो तुरंत आरा पहुंच जाती हैं। और मतलब विकास एक हाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं भैया, अभी वोट देने के लिए आए हैं। ये भाई साहब विकास का मुद्दा बता रहे हैं, आप क्या सोचकर वोट डालने के लिए आए हैं? नाम पर वोट पड़ रहा है कि काम पर? काम पर, काम पे। जी जी, जी। ये मोदी साधना में लीन है कन्याकुमारी में, इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर हम यही सोचते हैं कि वो साधना में लीन है, वो अपने धर्म के प्रति जुड़े हुए हैं, बस यही सब। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, तो विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। विपक्ष का काम उठाएगा? विपक्ष परिवारवाद करता है। अच्छा, आप भी मैडम वोट देने के लिए आई हुई हैं, कोई विकास मुद्दा बता रहा, आपके नजर में मुद्दा क्या है? दूसरा भी कुछ बोलना चाहेंगी? सॉरी, ठीक है। और भी महिलाएं आ रही हैं, देखिए मुस्लिम समाज की भी महिलाएं आ रही हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, आप वोट डालने के लिए आई हैं, लोग यहाँ विकास को मुद्दा बता रहे हैं, आप क्या सोचकर वोट डालने आई हैं? कुछ मुद्दे होंगे आपके? नहीं, हम कुछ उस मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। नहीं। अच्छा, पीएम मोदी कन्याकुमारी में साधना में लीन है, इसको कैसे देखती हैं? अरे वो भी जीतेगा, ठीक है, कभी इससे भी हमको इससे नहीं कुछ है। मतलब देश में कैसी सरकार हो, किसकी सरकार हो, ये नहीं, कैसी सरकार चाहती हैं जो जनता के लिए काम करे? नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए। अच्छा, आप भी वोट डालने के लिए, कुछ मुद्दे होंगे ना आपके? जी हाँ, मुद्दा की हम लोग की अब सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जब सबको भला होना चाहिए, जो सबको साथ लेके, जो सबको लेकर साथ चले। अच्छा, सांसद कैसा हो, कौन सांसद हो, ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कैसा सांसद हो? अच्छा सांसद हो, जो अच्छा हम लोगों गरीब को सबको देख सके एक साथ। नाम पर वोट पड़ रहा है या काम पर? नहीं, नाम पे नहीं है, काम पे नहीं, जो अच्छा जिसको हो वोट डालना है चाहिए। पीएम मोदी कन्याकुमारी में साधना में लीन है, आज आखिरी चरण में वोटिंग होनी है, इसको कैसे देखती हैं? विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है। जैसे ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्या है, लेकिन हम इतना चाहेंगे, हम वोट देने आए हैं तो बस सरकार अच्छी होनी चाहिए, जो गरीब से लेकर अमीर को लेकर सबको एक साथ देखे, एक नज़र से, एक नज़र से देखे। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आप वोट दे दिए, देखिए इस बूथ पे वो पहला वोट दिए हैं, देखिए स्याही का निशान दिखा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब आप वोट किए होंगे तो क्या दिमाग में चल रहा था? मेरा नाम अशोक मानव है। हाँ। मैं 42 वर्षों से राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन चुनावी राजनीति नहीं करता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और रंगकर्मी हूँ। ये तो बहुत पहले से मेकअप है दिमाग कि हमको कहाँ वोट देना है। कैसा सांसद हो आपका? हमारा सांसद संघर्षशील हो, सड़कों पर रहने वाला हो, ग्राउंड पर काम करने वाला हो, लड़ने भिड़ने वाला हो, वैसा मेरा सांसद होना चाहिए। माता जी अभी वोट दे दी, दिखाइएगा सही, देखिए दिखा रही हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ये लोग वोट डाले हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे पहला बूथ है, इस पर ये लोग डाले हैं, किन मुद्दों पे वोट कर रही हैं? विकास, बस आरा। क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी है, हम लोग का अपना मोहल्ला का जो ये है विकास चाहिए, लोग का विकास, शहर का विकास चाहिए, वही विकास पर ही सब कुछ है। पीएम मोदी कन्याकुमारी में साधना में लीन है, इस पर क्या सोचती हैं? सब नाटक है। अच्छा। हाँ, हमको नाटक लगता है और हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। तस्वीरें देखी वहाँ की? हाँ देखे हैं। क्या लगा? नाटक, नाटक। अच्छा बाबा, वोट दे लिए? कितना उम्र हो रहा है आपका? हमारा अभी 73 हो रहा है। 73, देखिए वोट दे के आए हैं, कितने वर्षों से वोट डाल रहे हैं? हम लगातार वोट, अभी जब वोट डाले तो कुछ सोच के वोट डाले होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुद्दे क्या हैं? मुद्दा यह है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये जो झूठ और प्रपंच है, लोगों को बरगलाने का काम है मोदी जी द्वारा, नहीं नहीं डालते हैं, जो इस सरकार को हटाने के मुद्दे पर हम लोग वोट दिए। अच्छा, अच्छा। देश में कैसी सरकार हो जो काम करे, जो काम करे, बेरोजगारी हटावे, आपसी भाईचारा रखे। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता, तीनों मुद्दा है।
गेट पर जाके इंटरव्यू, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते, भीड़ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। चलिए आइए, और भी देखिए यहाँ पे कुल 4 बूथ हैं। दूसरा जो बूथ है उस पे भी लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। माता जी वोट देने के लिए आई हैं? हाँ। अच्छा, कि कब से वोट डाल रही हैं, कितना साल से? अभी इतना साल याद है सर। अच्छा, अभी वोट देने आई होंगी तो कुछ मुद्दे होंगे ना, क्या सोच के वोट कर रही हैं? क्या सोच के वोट कर, क्या सोचेंगे? विकास है, महंगाई, क्या मुद्दा है? क्या है? अच्छा, माता जी वोट डालने के लिए आई हैं, दे दी वोट, दिखाइए, देखिए स्याही का निशान दिखाइए, ये देखिए वोट देकर आई हैं। यहाँ पे भीड़ आनी शुरू हो गई है, क्या सोच के वोट दी? मैं ये सोच कर वोट दी कि जो विकास हुआ है अभी तक वो विकास बढ़ता रहे। अच्छा। जो हमारे देखने में इतने साल में हमको लगा कि कुछ विकास हुआ है हमारे शहर का, तो सोचते कि और ये विकास बढ़ता रहे। अच्छा, पीएम मोदी कन्याकुमारी में साधना में लीन है, इसको क्या देख, कैसे देखती है, क्या इस पे? मैं बहुत अच्छे देखती हूँ, क्योंकि उनका काम अब खत्म हो गया, ये वाला तो थोड़ा बहुत तो साधना कर रहे हैं, तो हमारे हिंदू धर्म के लिए गर्व की बात है। विपक्ष तो सवाल उठा रहा, अब उन सवाल तो विपक्ष है तो उनको तो सवाल उठाना काम ही है, वो उठाना भी चाहिए। अच्छा, और भी लोग हैं, आप लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? दिमाग में चल रहा है यही कि हमारा जो भी सरकार अगला है वो हमारी समस्याओं को समझे और हमारी समस्याओं को दूर करे, और इसी वजह से मैं अपना वोट देने जा रहा हूँ। यही, और कैसी सरकार हो देश में? सरकार ऐसी और निष्पक्ष आनी चाहिए कि जो कि सभी समस्याओं को देखे और किसी की पक्षपात ना करे, और हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी और कहीं भी किसी समस्याओं के लिए खड़ा होनी चाहिए। अच्छा, देखिए ये आप विश्व पर्यावरण बचाओ वोट डाल दिए? हाँ, वोट डाल दिए हैं। दिखाइएगा स्याही, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दों पर, सर्वांगीण विकास हो क्षेत्र का, उन मुद्दों पर, और हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए, सही निर्माण हो इसके लिए ही वोट डाले हैं। नाम पर वोट पड़ रहा है कि काम पे? काम पर वोट पड़ा है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे बूथ पे हम लोगों से बात कर रहे थे, लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आरा में बीजेपी के प्रत्याशी हैं आर के सिंह, हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में है। मुकाबला है CPIML के सुदामा प्रसाद से। करीब 21.5 लाख वोटर हैं आरा लोकसभा क्षेत्र में, और 2249 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आरा में वोटिंग जारी है, भीषण गर्मी है। इस वक्त हम चंदवा में मतदान केंद्र पर हैं, यहाँ पे कुल 6 बूथ हैं। देखिए एक पंडाल तो जरूर लगाया गया है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिले, लेकिन पंखा यहाँ पर नहीं है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। लोग यहाँ पे लाइन में जरूर खड़े हैं, लेकिन कम संख्या में मतदाता जो हैं नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि घरों से निकलिए, वोट डालिए, लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र को और मजबूत करिए। आप लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं, लेकिन भीषण गर्मी है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत भीषण गर्मी है यहाँ, किसी तरह का व्यवस्था नहीं है पानी वगैरह का, सिर्फ पंडाल लगा दिया गया, सिर्फ पंडाल लगा दिया गया है। अच्छा, वोट देने आए तो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? हम वोट उसी मुद्दे पर कर रहे हैं, जो कैंडिडेट यहाँ काम किया है अच्छा, उसी को हम वोट दे रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, आप भी वोट देने के लिए आए हैं। हाँ। भीषण गर्मी है। हाँ। लू चल रही है, क्या कितना परेशानी हो रही है? परेशानी तो वही रही है गर्मी के कारण। हाँ। तो थोड़ा व्यवस्था होना चाहिए था, और पीने के पानी की व्यवस्था। हाँ। है ना, पंखा है, ना पंखा है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। अच्छा, ये बताइए जब वोट देने आए हैं तो क्या सोच कर आए हैं? जो यहाँ पे काम किया है हम उसी के लिए वोट करेंगे। नाम पे या काम पे? काम पे, काम पे वोट कर रहे हैं। और भी अच्छा, आप लोग भी वोट देने के लिए आई हैं, कोई कह रहा है कि हम काम पर वोट देंगे जो काम करेगा। पहली बार वोट देने आई हैं? नहीं नहीं, मैं कब से दे रही हूँ। गर्मी काफी है, परेशानी हो रही है? परेशानी तो बहुत हो रही है। क्या हो रही है परेशानी? इतने धूप में हम लोग आ रहे हैं, इतने अवेयर हैं, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए हम लोगों के लिए। वोट दे दी है अभी, स्याही दिखाइएगा, देखिए ये वोट दे दी है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उससे ये परेशान है। अभी आप वोट देने आई हैं तो क्या दिमाग में चल रहा था? चल रहा था कि विकास आगे जो डेवलप करेगा उसके लिए हम लोग सब हमेशा सिटीजन है, तो इंडिया के लिए मतलब हम लोग अपना खड़े रहेंगे, गवर्नमेंट को भी हमारा सपोर्ट करना चाहिए, यूथ के लिए सोचना पड़ेगा। अच्छा, माता जी वोट दे दी, अभी देने आई हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको सोच कर वोट करें? कुछ परेशानी होगी? परेशानी होगी कि क्यों सहारा नहीं, क्या मैं अच्छा चाहती हैं ऐसी सरकार हो जो मदद करे आम लोगों की। हमारे लड़के भाई लोग दुनिया उनके लोग काम दे देते हैं, तब उनको रहते लोग क्या लड़के दुनिया नहीं भाई उनको लोग काम कुछ मिल जाए, मतलब आपके बच्चे हैं लेकिन नौकरी में नहीं है ना। हाँ, नौकरी में नहीं, शादी हो गई, चाहती हैं कि नौकरी मिले। बिल्कुल, आपकी बात हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप ही वोट देने के लिए आई हैं, गर्मी काफी है, बहुत गर्मी है,
परेशानी हो रही है? हाँ, परेशानी तो हो रही है। अच्छा, ये बताइए केंद्र में कैसी सरकार हो, किसकी सरकार हो, ये नहीं कैसी सरकार हो? सरकार अच्छा होना चाहिए, जो बच्चों लोग को रोजी रोटी मिले, ना बच्चा पढ़ रहा है लोग उसके लिए तो रोजी रोटी चाहिए, रोजगार दे। हाँ, बड़ा मुद्दा रोजगार है कि विकास? विकास भी है, रोजगार रहेगा तभी तो हम लोग का विकास होगा। अच्छा ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। चाचा वोट देने के लिए आए हैं? वोट दे लिए? हाँ। थोड़ा विशाल कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाइए, तो देखिए ये वोट दे दिए हैं, ऐसे वोट दिए हैं, लेकिन एकदम हीट वेव, हीट से को फौजी है, फौजी दूगो लड़ाई लड़ा, हीट से को फर्क नहीं के पड़ा, बांग्लादेश के मैंने नरियर को पानी पर लड़े हैं। जो सुविधा होनी चाहिए थे वो है, सब सुविधा है, सब है, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। क्या सोच के वोट दिए हैं? विकास पो, विकास, रोजगार पो। अभी वोट देने आए जी? अच्छा, कैसा सांसद हो आपका, कौन हो सांसद, ये नहीं कैसा हो? अच्छा हो। अच्छा, नाम पर वोट कर रहे हैं कि काम पे? काम पर, काम पर। अच्छा, तो देखिए लोग यहाँ पे वोट डालने आए हुए हैं, हम उनसे बात कर रहे थे आरा में। आरके सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में हैं। मुकाबला सीपीएमएल के सुदामा प्रसाद से है। कुल आरा लोकसभा क्षेत्र में 2249 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 21.5 लाख वोटर हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़।